हेलो एवरीवन, दिस इज़ चिनू रागर। आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ अपने कॉलेज वृक्षारोपण करने। एनसीसी में हूँ मैं और मेरा ये काम है जो कि आज मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे सामने सारे हमारे एनसीसी वाले हैं और मैं अभी फ़िलहाल फाइनल ईयर में हूँ, तो मैं सीनियर हूँ, सो दिस इज़ गुड। तो अभी हम ये जो भी फूल पौधे हैं ये ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर जाके इनको लगाएंगे। अभी हमने गाड़ी से निकाला है ये सारे के सारे, और ये प्यारा सा फूल तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देने वाला हूँ, होने वाली। होप सो। अगर कभी बनेगी तो। और यहाँ पे हमने ये सभी फूल पौधे रख दिए हैं और अभी और बचे हैं, नीचे से ला रहे हैं वो, तो अभी फिर से नीचे जाएंगे और ले आएंगे साथ ही के सभी। चलो चलो नीचे चलो सारे डॉगी। हाँ, तो अभी यहाँ से खोदने वगैरह का सामान निकाल रहे हैं सारे। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है, ये पहले के पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, इनको पहले ठीक करना है, मतलब इनके आसपास से थोड़ी जो ये अलग अलग पौधे उग चुके हैं इन सबको ठीक करना है। और इसके अलावा ये जो हम नए पेड़ लाए हैं इनके लिए हमने पहले गड्ढे बनाने हैं नीचे की तरफ अभी बचे हुए हैं, और इस तरफ को भी हमने गड्ढे बनाने हैं और वहाँ पर लगा देने हैं, वहाँ पर उगा देने हैं। ठीक है, हम एक गड्ढा बनाने वाले हैं यहाँ पर। अरे आसपास का पहले देख लेते हैं कि कितना कितना डिस्टेंस है, वहाँ से उतना डिस्टेंस है, वहाँ से वाले पेड़ से उतना डिस्टेंस है, ऊपर कोई पेड़ नहीं है, तो यहाँ पे हम गड्ढा खोद सकते हैं इसके लिए। तो अभी हमने यहाँ से मिट्टी निकालनी है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे हम पौधा लगा रहे हैं यहाँ से नीचे चट्टान तो नहीं है, क्योंकि चट्टान के ऊपर पेड़ कहाँ उग पाएगा, थोड़ी खोदने को भी मुश्किल होती है चट्टान के ऊपर। तू नहीं नीचे लगाना। आई एम अ लिटिल बिट नूब इन दिस थिंग। अब यहाँ पे हम पेड़ लगाएंगे, तो ये पौधा हमने सिलेक्ट किया है लगाने के लिए। चलिए उधर को। तो अब हमने इसे अनबॉक्सिंग करनी है इसकी। तो अभी हमने इसका ये प्लास्टिक निकाल दिया है और इसे हम साइड कर देंगे और अब इसे लगा देंगे, इसके नीचे थोड़ी मिट्टी कर देंगे और यहाँ से अब ऐसे मिट्टी डालेंगे और ये हमने अच्छे से गाड़ दिया है। हम इसके साइड साइड में अब थोड़ा दबा देंगे मिट्टी को नीचे। अभी बरसात का मौसम है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो बस ये वाला हो गया, अब हम नेक्स्ट गड्ढे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट गड्ढा बनाते हैं, फिर उसमें पेड़ लगाते हैं। अब हट जावे, मैंने थर्ड की ना सरफेस। वेरी गुड सरफेस अच्छा। अभी फिलहाल हम यहाँ पे सारे में गड्ढे करेंगे, ऊपर लड़कियाँ जो है वो जो पहले के बनाए हुए पौधे हैं उन्हें ठीक कर रही है, और हम यहाँ पे नए पौधे उगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से सारे में। पहले ये ज़मीन साफ करेंगे और फिर यहाँ पे पेड़ लगाएंगे। और कहाँ लगा सकते हैं सर, यहाँ से ये नीचे वाले इसमें लगाने लगाओ देखो दीवार हमारा पिछली बार। तो अभी मैं रिफ्रेशमेंट वगैरह लेने गया था, समोसे वगैरह जो सबने खाने हैं यहाँ पे, और लेके मैं आ गया हूँ। और यहाँ पे भी बहुत सारा काम सभी ने कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पर लगा रहे हैं पीपल का पेड़, जिसके लिए अच्छा खासा गड्ढा कर रहे हैं। चौड़ा करो इसको, बाकी ये गहरा काफी नहीं, उल्टा नहीं करना है, ये टूट जाएंगे, कुछ नहीं टूटता, पता इनको ला ये काम करते हैं बार बार। प्रोफेशनल है सर, पकड़े महाराज ये पकड़ो भी ऊपर खींचो पूरा रुको। अरे एक चीज बोलो यार, बोलो छोड़ो आगे छोड़े छोड़ो काम नहीं ना, जो मैं आपने तोड़ना नहीं भाई, कोमल को पूरी बात सुनो यार, ऐसा करो बात रोजी गुरुजी
तुलसी तुलसी साथी थोड़ा ऊंचा करो ऊंचा करो ऊंचा करो बहुत चला गया नीचे और भी है एक और निकाल दो सर एक तुलसी बस 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 नहीं आएगा नहीं ठीक है अब ठीक है सर हेलो बड़े गमले में 3 साल चला के फिर इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ता है नहीं तो तब तो विंटर जाएंगे कोशिश भी करेंगे तो अब जब कोशिश नहीं करेगा तो क्या तो इसके लिए प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं बाहर दवा चीजें ना किलचा लाना इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा बाहर किलचा लगा लिया एक बार क्या तरीका जाली लाई हुई उसके बाहर प्लास्टिक लगा लेंगे जो भी लोग अभी व्लॉग देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं इस पेड़ की अच्छे से देखभाल करनी है यहाँ पे इसके अरे परे जाली लगा देंगे इसको तोड़ना वगैरह नहीं है किसी ने भी जो भी देख रहे हैं ये उनके ध्यान रखना इसकी अच्छे से केयर करनी है व्लॉग बना रहा सब व्लॉग सारे देखेंगे ना कॉलेज वाले भी चलो जाओ 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 इधर आ जाओ आओ जी आओ जी आ जाओ सारे आ जाओ सभी लगा रही है हां कर बच्चे कर पीपल और तुलसी तुलसी तो हमने डाल के पौधे ये सर तुलसी ना कई प्रकार की है ये तो रेड है सर ये वाली भी होती है तुलसी तो अभी जितने भी सारे प्लास्टिक थे जितने भी वो सारे कवर करके ला रहे हैं यहाँ पे जो भी गंदगी फैली हुई है उन सभी को कलेक्ट करके अपने हाथ में चक्के ला रहे हैं साफ सफाई कर रहे हैं काफी बिजी माहौल चलो चलो जल्दी की किसको यार थोड़ा आराम आराम से करो इसे उठा के पर ले जाया जाए और ये NSS वाले तो अभी हमने पौधे वगैरह सारे में लगा लिए हैं और फोटोज़ वगैरह भी ले ली है अब फोटोज़ वगैरह खींचने के लिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर काम कर रहे हो तो उसे दिखा क्यों रहे हो वो अच्छा काम हम जो कर रहे हैं वो लोगों को दिखाना भी होता है तो इसलिए इसके लिए हम फोटोज़ वगैरह भी लेते हैं लगाने को तो सरकार दूसरे लेबरर वगैरह है उनको भी दे सकती है ये करने के लिए पैसा पर बच्चों को इसलिए सिलेक्ट करती है क्योंकि बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए मतलब शिक्षा सिर्फ वही नहीं होती जो बुक्स में लिखी होती है ये सारी भी होती है तो एक लोगों बच्चों को तक भी मैसेज पहुंचता है जो भी NSS NCC वाले हैं उन्हें अच्छे से ये काम उनके लिए होता है और इससे एक अपनी सफाई भी हो जाती है जैसे हमारा आप कॉलेज देख सकते हैं अभी बहुत ही सुंदर हो चुका है इसे सुंदर रखना हमारा ही काम होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कर दिया है अभी मैं परसों चौथ को आया था कॉलेज देखा होगा आपने कैसा था और अब कैसा हो गया है तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में ही बोला था ये बिल्डिंग गिरने वाली है तो अभी इसको डिसमेंटल करने का काम स्टार्ट हो चुका है अभी आप देख सकते हैं वहाँ से इसकी खिड़कियाँ वगैरह निकाल दी गई है और ऐसे कर करके ये सारी जो भी खिड़कियाँ वगैरह है जो भी कीमती सामान है इस बिल्डिंग से निकाला जा सकता है उसे निकाल देंगे और फिर से इसका जो मलबा वगैरह है उसे साइड कर देंगे ताकि यहाँ पर नीचे कोई नुकसान ना हो बिल्डिंग ना गिरे ये बास्केटबॉल के कोर्ट के साथ में भी इधर इधर पेड़ लगा रहे हैं जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे दिखाई देंगे और उस तरफ भी है उस तरफ भी लगा रहे हैं आज प्लांटेशन करिए कॉलेज में जिसमें देवदार के पेड़ और आंवला और बॉटल ब्रश और इवन पीपल का पेड़ भी लगाया गया है और उसके अलावा डेकोरेटिव फ्लावर प्लांट्स जिसमें हाइड्रेंजिया और मैरीगोल्ड के जो हाइब्रिड जो वैरायटीज़ हैं वो लगाई हैं और डिफरेंट जो वैरायटी के फ्लावर्स हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि हमारा पूरा जो परिसर है कॉलेज का परिसर वो मतलब ब्यूटीफुल रहे उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए ये सारे के सारे फ्लावर्स लगाए हैं सिंस ये जो टाइम है ये बारिश का टाइम है और इसमें जो है वो फ्लावर्स लगाना या प्लांट्स लगाना वो बहुत अच्छा है और एक संदेश पर्यावरण के संरक्षण के लिए सबके लिए जो है वो एक है कि हर बच्चे को हर नागरिक को जो है वो पेड़ लगाने चाहिए और उसको इंश्योर भी करें जब हम पेड़ लगाते हैं कि वो जो है उसकी प्रॉपर देखभाल जो है वो ताकि वो सर्वाइवल जो पेड़ है वो सर्वाइवल कर जाए
तो अभी बच्चों ने, एनसीसी के बच्चों ने, एनएसएस के बच्चों ने, रेंजर रोवर्स के बच्चों ने, इको क्लब के जो बच्चे हैं उनको स्पेशली बुलाया गया था और उन्होंने जो है वो पूरी तरह से इसमें भाग लिया है। और उसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी के लोग जो यहाँ के पार्षद हैं वो, और एसडीएम जो हैं वो, एसडीएम ठियोग, वो यहाँ पर आए थे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उन्होंने भी प्लांटेशन में भाग लिया। तो अभी हम फिलहाल रिफ्रेशमेंट खाएंगे। ये है हमारे पास केला, ये केला और ये चटनी और ये समोसा। थैंक यू सो मच। हमने मोस्टली सभी पेड़ पौधे लगा लिए हैं यहाँ पर, कुछ एक बच्चे हैं वो भी लगा लिए कुछ टाइम में। छोटा ये सभी खा रहे हैं मस्त, और मैं भी खाऊंगा। तो मेरा जो ये व्लॉग था आज का, आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैंने भी आज अच्छे से बहुत इंजॉय किया है। मैं सिर्फ कैमरा पकड़ के ही नहीं था, मैंने कैमरा बाकियों को भी दे रखा था। और अभी आप देख सकते हैं बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, और अब जो हमने पेड़ पौधे लगाए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो अब अच्छे से ग्रो करेंगे और काफ़ी सही है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।